on. Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और बस जी, आजकल बच्चों की हॉलीडेज़ हुई भी हैं तो बस डेली यही सोचना होता है कि बच्चों को किस तरह इंगेज रखें। और बस अभी मेरी मॉर्निंग हुई है, नाबे को ब्रेकफास्ट दिया है मैंने, और क्योंकि आज थोड़ा मैंने कहा डिफरेंट खा लो, वॉफल दे दिए उसे मैंने आज। और अभी मैं अपनी टी बना रही हूँ और बस आज का जो रूटीन है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बच्चों को किस तरह इंगेज रखें और टीवी और आईपैड से दूर रखें। तो बस सोचा मैंने कि मैं अपनी रूटीन भी शेयर करती हूं, मैं क्या करती हूं, कैसे अनाबिया को इन सब चीज़ों से दूर रखती हूँ और इनको बिज़ी रखती हूँ और दूसरी चीज़ों में। सो बस ये अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। अच्छा, बच्चों को किस तरह इंगेज रखा जाए, आई थिंक मैं जो करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा उसको ड्राइंग में लगाना पड़ता है, पेंटिंग में लगाना पड़ता है। मैंने उसके लिए सारी चीज़ें ला के रखी हुई हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़, ताकि वो इसमें लगी रहे। जैसे समटाइम्स वो पेंटिंग करती है, समटाइम्स वो ड्राइंग करती है, कलरिंग करती है, और कुछ मैंने उसकी प्ले डोज वगैरह लेकर आई हूँ, और वो भी मैं आपसे नेक्स्ट अपनी शॉपिंग की वीडियो शेयर करूँगी नेक्स्ट। सो उसमें आपको मैं वो दिखाऊँगी। इस तरह की मैं थोड़ी एक्टिविटी वाली टॉयज़ लेती हूँ, टॉयज़ भी, ताकि वो उसमें उसको टाइम लगे खेलने में और उसको वो उसमें बिज़ी रहे, ताकि एक घंटा दो घंटा वो उसमें लगा दे, ये ना हो कि वो टीवी के सामने बैठे या आईपैड के लेके बैठे। सो वो ज़्यादा बेस्ट है, बच्चों को वैसे भी स्क्रीन टाइम कम से कम ही हो। आप बच्चों को बिल्कुल दूर भी नहीं रख सकते, लेकिन ये कि उनका टाइम थोड़ा लिमिटेड रखें, कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। और पार्क ले जाती हूँ, लाइब्रेरी ले जाती हूँ, इस तरह करके मैं उसकी एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ, ताकि वो ज़्यादा टाइम अपना इन चीज़ों में लगाए। सो यहाँ देखें, मेरा ओट्स मैं बना रही हूँ अपने भी, हस्बैंड की भी, और साथ में खाली ओट्स से तो यू नो फुल नहीं होता क्योंकि मैं वन टाइम मील खाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर बस रात में होता है। सो मैंने सोचा कि ना एग भी बॉईल कर लिए जाएँ साथ साथ, तो वो भी मैं कर रही हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ शेयर किया करें अपने कि आप लोग किस तरह अपने बच्चों को इंगेज रखते हैं। आप लोग भी मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को इंगेज किया जा सकता है। जी, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी और हमने खा भी लिया काफ़ी और बस मैं ओट्स खा रही थी और यहाँ ये रेजन्स मैं अनाबिया को दे रही थी और यहाँ मैं उसको थोड़ा सा डॉच करूँगी और इस तरह ही बच्चों को खिलाना पड़ता है, यू नो। यस, या पीट करोगी जेली? यस, चलो जल्दी से इसको फिनिश करो, जाइए। गुड गर्ल, यू लाइक इट? जी, तो अब हम आ गए हैं बाहर अनाबे को लेके पार्क में, क्योंकि सुबह से बस वो पूछ रहती है कि हम कहाँ जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो हम अब कहाँ जाएंगे। और बस ब्रेकफास्ट किया था और बस फिर थोड़ी देर रेस्ट के बाद थोड़ा सा क्लीनिंग, अच्छी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मैं वैसे 2 डेज में करती हूँ और बस ऊपर ऊपर से जनरली क्लीनिंग मेरी बहुत हाफ एन आवर में हो जाता है। सो यहाँ पार्क में आ गए हैं और यहाँ थोड़ी देर अनाबे खेलेगी और फिर हम कुछ खाएंगे बाहर और फिर घर जाएंगे, तो इस तरह ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पार्क में जिम भी दिया हुआ होता है, जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। सो बच्चे खेलें और पेरेंट्स, और बच्चों के नहीं भी हैं ये तो, बच्चे भी, लेकिन अनाबिया काफ़ी छोटी है अभी इन एक्सरसाइज करने के लिए, उसको बहुत शौक है, बस वो बस इस जगह पे आ जाती है, स्लाइड्स में थोड़ी देर बस करती है, लेती है स्लाइड्स और स्विंग में बैठती है, देन वो यहाँ पे आ जाती है, कहती है कि बस मुझे एक्सरसाइज करनी है। और अभी थोड़ी छोटी है वो, एटलीस्ट 10 इयर्स प्लस के बच्चों के लिए हैं और हम भी कर सकते हैं। सो मैं भी कर रही थी साथ साथ, वो भी ट्राई कर रही थी।
जी तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं मैकडोनल्ड, और क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर आइसक्रीम खाने का चाह रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगती है मैकडोनल्ड की आइसक्रीम, वहाँ नाबिया तो क्रेज़ी आइसक्रीम सी। सो हम यहाँ आ गए थे, मैकडोनल्ड यहाँ पे हलाल नहीं है, बट यहाँ पे हम जो फ़िश फिले बर्गर जो होता है फ़िश, क्योंकि फ़िश तो हलाल का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम जब अगर यहाँ पे हमें खाना होता है तो फिर हम फ़िश फिले खा लेते हैं, फ्राइज़ खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। सो जी हमारा ये बर्गर आ गया है फ़िश फिले और जूस अनाबिया के चिप्स और ये भी आइसक्रीम। तो बस हमने आइसक्रीम भी इंजॉय करी, थोड़ा हल्का फुल्का फूड भी इंजॉय करा, और बस यही था मेरा रूटीन, और उसके बाद बस घर जाएंगे रेस्ट करेंगे। और बस ये इसी तरीके से हमारा आज बिज़ी दिन रहा, आधा दिन हम बाहर ही रहे, आधा दिन हमने घर में गुजारा, आधा दिन काफ़ी देर सो के भी उठे थे लेट। सो बस हॉलीडेज़ में ऐसे ही रहता है, और भी मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी हॉलीडेज़ वाले कि मैं और किस तरह और क्या क्या करती हूँ, कहाँ कहाँ लेके जाती हूँ यहाँ पे, और किस तरह बिज़ी रखती हूँ। बस आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।